भुवनेश्वर। पताल भुवनेश्वर चूना पत्थर की एक प्राकृतिक गुफा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट नगर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गुफा में धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई प्राकृतिक कलाकृतियां स्थित है। यह गुफा भूमि से 90 फीट नीचे और लगभग 180 मीटर चौड़ी है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपूर्णा ने की थी जो सूर्यवंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। सकंदा पुराण में यह वर्णन है कि महादेव शिव पताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते थे और अन्य देव देवता उनके गुणगान करने यहाँ आते थे। और इसमें यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपूर्णा जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रवेश हुआ तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 करोड़ देवताओं के साक्षात दर्शन किए। इस गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवार से पानी रिसता रहता है जिसके कारण यहाँ जाने का रास्ता बेहद चिकना है। गुफा में शेष नाग के आकार का एक पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ के रखा है। इस गुफा की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान शिवलिंग की ऊंचाई 1.5 फीट है और शिवलिंग की छत की ऊंचाई 3 फीट है। यह शिवलिंग को लेकर एक मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। गुफा के अंदर जाने के लिए एक छोटे से रास्ते से जाना पड़ता है जो लगभग 8 फीट तक नीचे जाकर खुलता है। गुफा के दरवाजे पर शेषनाग आकार की एक शिला है जिसे देखकर ऐसा लगता है शेषनाग ने पृथ्वी को संभाला हुआ है। गुफा के अंदर छोटी छोटी कलाकृतियां और छोटे छोटे पिंड बने हैं। मान्यता है कि यही 33 करोड़ देवी देवता हैं। गुफा के अंदर 4 पिंड है जो 4 युगों को दर्शाते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्ययुग, कलयुग। दोस्तों, इनमें से 3 खंभों की ऊंचाई लगभग सामान्य है। कलयुग की लंबाई बढ़ती जा रही है। यहाँ के पुजारी के कहने के मुताबिक 7 करोड़ साल में इस खंभे की ऊंचाई 1 इंच बढ़ती है और मान्यता यह है कि जब यह कलयुग का खंभा इसकी छत को छू लेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी और महाप्रलय आएगा। इस गुफा में एक पानी का कुंड है और कुंड के साथ एक दीवार पर शिला बनी है जो एक गरुड़ की तरह दिखती है और उसकी गर्दन मुड़ी हुई है। मान्यता यह है कि यह कुंड शिव जी ने अपने नागों के लिए पानी पीने के लिए बनवाया था और इसकी देखभाल के लिए एक गरुड़ रखा था। एक दिन गरुड़ ने खुद इस कुंड से पानी पीने की कोशिश करी तो महादेव ने क्रोध में आकर उसकी गर्दन मोड़ दी। इस गुफा में आदि देव शंकराचार्य स्थापित एक तांबे का शिवलिंग भी है। माना जाता है कि गुफा के आखिरी छोर पर पांडवों ने शिव जी के साथ चौपर खेला था। यह गुफा देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि यह गुफा अपने आप बनी है। इस गुफा को लेकर बहुत रहस्य हैं और आज तक इस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, अगर आप में से कोई उत्तराखंड जाता है तो एक बार पताल भुवनेश्वर भी जाके आना। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में हमें इस वीडियो के बारे में बताइए और अगर आपको कोई और वीडियो के बारे में जानना है तो उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।